आरबीआई का रिपोर्ट अभी तक कुछ अपडेट नहीं है इसको लेकर, आपने कहा था डीजी साहब को लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है सर। हमारा बीच में डीजीपी जो है चेंज हो गया, अभी नया डीजीपी टेक ओवर हुआ, तो कल फ्लैग होस्टिंग के बाद में हमारा डीजीपी के साथ भी मीटिंग हुआ, तो मैंने डीजीपी को कहा कि थोड़ा सीबीआई क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है तो भी थोड़ा सा अप्रोच करके इसमें क्या चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में जो रख पाएगा सीबीआई को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए सीबीआई की तरफ से भी रखने के लिए। तो डीजीपी अभी जो नया ज्वाइन किया है वो फॉलो अप करेंगे सीबीआई के साथ में। सर लेकिन रिगार्डिंग सीबीआई को लेकर आपने जो बात किया था 16 अगस्त में, मैंने आपको सवाल किया था, आपने कहा था कि डीजीपी से सवाल करने, मैं गई थी 18 सितंबर में आफ्टर 1 मंथ 2 डेज के बाद में, डीजीपी को कोई खबर नहीं, उसने कहा था कि वो जल्दी खबर करेंगे। सबसे भी ज़्यादा हो चुका सर, सीबीआई का एटलीस्ट रिपोर्ट आना चाहिए था, कुछ अपडेट नहीं सर इसको लेकर, क्योंकि सीरियसनेस कह रहे सर लेकिन रिपोर्ट्स कुछ पता नहीं चल रहा, अरेस्ट को लेकर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ सर, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो सीबीआई जो है वो अपना एक ऑटोनॉमी एक ऑटोनॉमस एक एजेंसी है, वो अपना राज्य सरकार का कंट्रोल में नहीं है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मांग तो सीबीआई को देने को था, वो भी हम लोग ने दे दिया, और सीबीआई से भी फिर हट के फिर क्या कौन सा एजेंसी बताया था, ईडी को बोला, ईडी को भी हम लोग ने दे दिया। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी है वो लोग भी अभी मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो क्या क्या पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए वो लोग अपना हिसाब से बताएंगे होगा, लेकिन मेरा ओर से मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट मैंने करने के लिए बोल दिया कि जो जो पब्लिक डोमेन में अगर इन्फॉर्मेशन देने लाइक कुछ भी होता है चाहे ईडी के ओर से हो या चाहे सीबी के ओर से, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ, जो जो अगर कुछ देने लायक है तो दे देने के लिए ऑलरेडी वी हैव कन्वेड। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, और मैं बता दूं कि इस वक्त हम आए हुए हैं पुलिस हेडक्वार्टर ईटानगर पे, और आप सब थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए। मैं बता दूँ कि हम बहुत पहले से ही जो APPSC स्कैम को लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका बहुत जो स्कैम है जो उसका इन्वेस्टिगेशन वो बहुत वास्ट है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं रिगार्डिंग सीबीआई इंक्वायरी को लेकर, जिसको लेकर सीएम खांडू की तरफ से हमें कहा गया था हमारे चैनल में कि वो उन्होंने ऑलरेडी डीजीपी को डायरेक्शन दे चुके हैं कि वो सीबीआई से बात करें और जो भी मीडिया में ब्रीफ करने वाली जो रिपोर्ट्स या फिर जो भी स्टेटमेंट है वो हमें दे, लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लास्ट हम जब आए थे PHQ में, जहां हम मिल तो नहीं पाए डीजीपी से, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से हमें कन्वे किया गया था 18 सितंबर 2023 को कि वो सीबीआई से बात करेंगे और जो भी डिटेल उन्हें मिलेगा वो मीडिया में ब्रीफ करेंगे सर। तो सिंस देन 18 सितंबर से लेकर अभी कह सकते हैं ऑलमोस्ट अ मंथ होने को आया, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया था, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही यहाँ आकर अपडेट लें। तो मैं बता दूं कि इस वक्त DGP ऑफिस में नहीं है, वो ऑफिशियल टूर के लिए निकल चुके हैं, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर की तरफ से हमें कहा गया है, और हमने जो थोड़ा बहुत सवाल रखा था सीबीआई इंक्वायरी को अपडेट को लेकर, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके तरफ से हमें DGP ने कन्वे किया कि पहले तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सीबीआई है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उनका अपना SOPs रहता है, तो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव एनी डायरेक्शन ऑफ और एनी राइज एनी क्वेश्चन, इस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कह दूँ। और दूसरी बात, उनके तरफ से उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर की तरफ से हमें कन्वे किया गया है कि एज अ जर्नलिस्ट हम जाकर CBI से सवाल कर सकते हैं, ही इज़ नॉट ऑथोराइज, इस तरह का कहना है। और मैं बता दूँ कि पहले तो उन्होंने कहा था 18 सितंबर में कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे देन मीडिया ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट अ मंथ के बाद हम आए तो अभी हमें कहा जा रहा है कि इज़ नॉट दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हम क्या समझे, एक और CM की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी DGP से रिक्वेस्ट किया है कि वो CBI से बात करें, और एक और DGP कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलिए ये तो था DGP का, जो क्योंकि हम आज यहाँ आए थे तो हम अभी जो CBI ऑफिस है वहीं हम जाकर देखेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे और आप सब तक पहुँचाएँगे कि इन्वेस्टिगेशन का क्या अपडेट, हमारे साथ बने रहिए।
तो जैसे आप सबने देखा कि हम PHQ से निकलकर सीधे CBI ऑफिस चिंपू पे आए थे, और एज यूजुअल उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कोई भी मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, एज यूजुअल जो उन्होंने उनको कहना था, उनके तरफ से फिर कहा गया है कि अगर कुछ स्टेटमेंट या फिर इंक्वायरी को लेकर रिपोर्ट बनाना है या फिर कुछ पूछना है तो सीधे दिल्ली ऑफिस से बात करिए, उनका कहना था, एज यूजुअल जो उनका कहना होता है। तो हमारा सवाल सीधा CM खांडू से रहेगा कि आप क्यों घुमा रहे हैं? अगर देखा जाए दूसरे इंडिया के ही दूसरे स्टेट्स में जब भी कोई CBI इंक्वायरी लगता है या फिर ED का इन्वेस्टिगेशन चलता है तो एक स्टेट गवर्नमेंट का व्हील रहता है, पॉलिटिकल व्हील रहता है, तो उनके तरफ से रिक्वेस्ट लेटर जाता है CBI को या फिर कंसर्न लेटर जाता है कि अगर कुछ भी अपडेट अगर मीडिया के साथ में या फिर कंसर्न स्टेट्स के पब्लिक के साथ शेयर कर पाए तो उनकी तरफ से, और कई बार CBI की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो CM की तरफ से हमें बताया गया था 1.5 से 2 महीने पहले कि उन्होंने DGP ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिक्वेस्ट किया है कि वो इन्फॉर्मेशन करे और मीडिया ब्रीफ करे। सिंस देन हम फॉलोअप कर रहे हैं। मैं बता दूं कि 2 से 2.5 महीना हो चुका है लेकिन कोई अपडेट नहीं, और आज के दिन भी हम गए थे जो आप सबने ऑलरेडी देख चुका है। तो हम क्या हम सीधा सवाल CM खांडू से रखना चाहेंगे, आप क्यों घुमा रहे हैं? एक और आप कहते हैं जब भी मीडिया सवाल रखती है या फिर मीडिया ब्रीफ किया जाता है रिगार्डिंग APPSC स्कैम को लेकर, तो आप कहते हैं बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगे हुए हैं कि कल्प्रिट को पकड़े और बिहाइंड दी बार डाले, लेकिन लगता तो नहीं है। जब भी हम रियलिटी स्टेटमेंट और अगर हम रियलिटी चेक करते हैं तो बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक सिंस SIC से CBI में केस ट्रांसफ़र सिंस देन अभी तक कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग इंटीग्रेशन को लेकर, पूछताछ को लेकर या फिर कोई अरेस्ट को लेकर। तो अभी जैसे दोनों की तरफ से कहा गया, DGP की तरफ से भी कहा गया, इवन यहाँ की तरफ से जो एज यूजल वो कहते ही थे, तो लगता है कि हमें ही खुद जाना होगा जो CBI के हेड ऑफिस में, वहाँ पे जाके हमें पूछताछ करना होगा कि अपडेट क्या है, क्योंकि बारंबार CM खांडू की तरफ से भी हमें याद दिलाया जाता है कि CBI एक ऑटोनॉमस बॉडी है। आई गेस सभी जानते हैं, वो किसी को याद दिलाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो उनके तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है और वो लिया जा सकता है और वो CBI से बात कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं यहाँ पे होगा। तो इसी तरीके से हम लगातार रिपोर्ट बनाएंगे, हमारे साथ बने रहिए।